और नेहा जी, खाना पीना हो गया? हाँ, बस अभी अभी खाया है। एकदम सही टाइम पे आई हैं आप। सही टाइम में? हाँ, खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा तो होना ही चाहिए। और मीठा खाना हो तो बताओ, मैं आती हूँ शक्कर का डब्बा लेके। नहीं, रहने दो, हो गया। तुम आओगी तो शक्कर का डब्बा थोड़ी, सक्का डब्बा लाओगी। और भूरी जी, आप लोगों का खाना पीना हो गया? हाँ, मैंने तो खा लिया, लेकिन वो अभी बाजार से लौटे तो बाद में खाएंगे। ये टमाटर लेके आई हैं आप? हाँ, वो कल कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ तो सोचा टमाटर आपको दे देती हूँ, नहीं तो मेरे यहाँ तो खराब हो जाएंगे। अच्छा, कल अमावस है। क्यों? नहीं, कल चांद नहीं दिखेगा ना, तो अमावस ही होगी। भूरी जी, आप जरा बाहर रुकेंगी, मैं अभी आती हूँ। खाना भर पेट खा लिया है ना आज? मैं तो रोज पेट में इतना भरता हूँ जैसे ट्रेन के जनरल डिब्बे में लोग भर जाते हैं। अभी तक एक दो रोटियां सीने के पास अटकी हुई हैं। शाम तक जब कुछ पचेगा तो वो पेट में पहुंचेंगी। थोड़ा कम बोला करो, अच्छा नहीं लगता इतना मजाक। ठीक है, लेकिन भूरी जी आई क्यों थी? अभी बाहर ही खड़ी हूँ। कहीं मनोज जी और भूरी जी के बीच भूरा भूरी तो नहीं हो गया? कुछ नहीं, वो टमाटर लेके आई हैं। क्या हुआ भूरी जी, टमाटर बेचने लगी क्या आप? अरे नहीं, किसने कहा आपको? मैंने कब कहा कि बेचने आई हैं? कुछ भी बोलते हो। तो फिर टमाटर लेके किस लिए आई होंगी? बताया तो उन्होंने कि कल मायके जा रही हैं। अच्छा, तो रिवाज है ये भूरी जी के यहाँ कि मायके जाएंगी तो पड़ोसी को टमाटर दे के जाएंगी। अरे रिवाज नहीं है, टमाटर खराब ना हो जाए उनके यहाँ रखे रखे, इसलिए दे के जा रही हैं। हाँ, मुझे कम से कम एक हफ्ते तो लग ही जाएंगे मायके से वापस लौटने में। एक हफ्ते? बिना पानी के पेड़ पौधों का क्या होगा, सूख जाएंगे। चिंता मत करिए भूरी जी, मैं पेड़ पौधों में दोनों टाइम पानी डालूंगी। मुझे क्यों देख रही हो? पेड़ पौधों को देखो। भूरी, चलो खाना दे दो। अरे मनोज जी, क्या बात है, आज अभी तक खाना नहीं खाया था आपने? नहीं, वो थोड़ा बाजार तक चला गया था। भूरी मायके जा रही है, उसके लिए कुछ सामान लाना था। हाँ, वो एक घड़ी मंगवाई थी गिफ्ट देने के लिए। कोई कार्यक्रम है लगता है? हाँ, मेरे सबसे बड़े भाई के सबसे छोटे लड़के का जन्मदिन है। सबसे बड़े भाई के? क्यों, कितने भाई हैं आपके? 5 हैं विक्रम जी। 5 भाई हैं? मनोज जी, ख्याल रखिएगा भूरी जी का, कहीं पांचों ने आपको कूटने का सोच लिया ना तो आप कहीं भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि दिशाएं तो 4 ही होती हैं और भाई तो 5 हैं। इसलिए तो विक्रम जी, भूरी जब भी कुछ मांगती है मैं ला देता हूँ। तुम भी ध्यान रखना, 5 भाई है उनके, किसी दिन उल्टा सीधा मजाक करते सुन लिया ना तो सीधा उल्टा कर देंगे। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही हंसी मजाक करता हूँ बस। चलो भूरी, खाना दे दो, अब भूख लगी है। रुको थोड़ा, 5 मिनट। ठीक है। 5 भाई है, 5 मिनट क्या, 5 जन्म भी रुकेंगे। वैसे मैंने बताया नहीं, चाचा बुआ के लड़के मिला के मेरे भी 10-12 भाई हैं। फिर भाई है क्यों, चाचा बुआ की लड़कियां मिलाओ तो 8-10 सालियां भी हैं। नेहा जी, लीजिए ये टमाटर रख लीजिए, मैं जाती हूँ उनको खाना परोस देती हूँ। रुकिए ना अभी। क्यों? अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं ना। क्यों मनोज जी? हाँ, 2 मिनट बचे हैं। ठीक है, दीजिए टमाटर। 1 किलो बच गए हैं, 4 किलो लेकर आ गए थे। 4 किलो टमाटर एक साथ? क्यों, 10-20 रुपए सस्ते मिल गए थे क्या? 10-20 रुपए सस्ते क्यों मिलेंगे? तो फिर 4 किलो एक साथ क्यों ले आए, है ना नेहा?
हाँ। अरे टमाटर ही अब 20-30 रुपए किलो मिल रहा है ना। क्या ये क्या बोल रही हैं आप? ठीक है मैं जाती हूँ, सामान पैक करती हूँ, एक हफ्ते के लिए मायके जाना है ना मुझे। ये अचानक नेहा जी को क्या हो गया? हर हफ्ते मुझसे 500 रुपए केवल टमाटर के लिए मांगती थी। मैं भी ये सोच के दे देता था कि टमाटर अभी 150 से 200 रुपए किलो चल रहा होगा। चलो मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। हाँ जाइए दीजिए, हमें तो पता ही नहीं था कि हमें चूना दिया जा रहा है।